की जाती हैं जो फंडिंग वगैरह है, तो वहाँ पर हमारे जो सहायक आयुक्त वाहने जी हैं उनके द्वारा जो है कुछ बंदरबाज किया जा रहा है, वो तो सीधा शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे अभी आए थे हाल में मात्रा सर, उनके ऊपर भी जो है कुछ गलत आरोप लगाए गए वित्त की अनियमितता के बारे में, जबकि वो उनके समय का वो था भी नहीं मैटर, है ना। तो इस प्रकार से सीधा आ जाता है कि मात्रा सर को वहाँ पर अच्छा कार्य करने के लिए हटाया जा रहा है, क्योंकि वो कुछ अंदर की कुछ चीज़ें थी जिनको वो उजागर कर रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों में काफ़ी सुधार आया था। और अभी जो हॉस्टल का जो माहौल है कि अधीक्षक का जो अभी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में है, तो वो काफ़ी कुछ सुधरा है, जबकि उसके पहले जो है बहुत बदतर स्थिति में थे हमारे बच्चे। और कुछ आंतरिक परेशानियाँ भी हैं जो हम आपस में मतलब कि प्रिंसिपल के साथ बात करके रखे थे, तो उनकी समस्याओं का समाधान सर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वाहने जी को पता चला कि यहाँ पर कुछ सिस्टम से चल रहा है, अब होने वाला है सुधार, उन्होंने तुरंत उन पर जो है गलत आरोप लगाकर उनको फंसा दिया, है ना। तो हमारा तो पहले मांग ये है कि हमारे जो सहायक आयुक्त है वाहने जी, उनको हटाया जाए, और जो हमारे मात्रा सर जो पूर्व प्रचार है, तो उनको वापस लाया जाए, और उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाया गया है उसकी उच्च अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाए। और जो हमारे जाने से पढ़ाई भी होगी, लेकिन वो उन्होंने हमको मजबूर किया है ले जाने के लिए, हमें कोई शौक नहीं है। हम भी जानते हैं कि हमारे बच्चों का ये अभी मेन परीक्षा का समय है, उनको एक केंद्रित अभी जो है एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को रखने से भी क्या मतलब, क्लास में टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि संस्था प्रमुख नहीं है यहाँ पर,
है ना, तो ये होना चाहिए। जब तक संस्था प्रमुख नहीं होगा तो टीचर्स कहाँ से क्लास लेंगे। श्रीमती निरंजना कला में इसी विषय को लेकर के हमने आप सब लोगों के माध्यम से 24 जनवरी को प्रेस क्लब में जाकर के प्रेस जारी किया कि हम लोगों का जो बच्चे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं शासन प्रशासन स्तर पे कई बार उठाने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ताकि मीडिया उनको एक संदेश दे, उसके बावजूद भी 29 तारीख तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया ना संपर्क किया। तो हम सब पालकों ने आकर के अपने अपने बच्चों के वहाँ से 31 तारीख तक अल्टीमेटम दिए, यदि 31 तारीख तक भी शासन प्रशासन इस विषय पे पहल नहीं करती है तो 1 तारीख को सभी पालक मिलकर के यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन करेंगे। और राजनांदगांव जिला और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला के सर्व आदिवासी समाज ने भी इस पालक संघ के आंदोलन को समर्थन करने के लिए खुला रूप से हम सब मन के बीच में आए हैं। और आज ही अभी और हमारे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख भाई भी कह रहे थे कि आप लोगों के पालक संघ का हम समर्थन करते हैं। और हम लोगों का आज मांग है, आज भी शासन प्रशासन हम लोगों की जो समस्या है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो सुरक्षा का अभाव है उसे देखते हुए स्थायी प्रचार व स्थायी अधीक्षक की नियुक्ति तत्काल आज ही किया जाए। और दूसरी मांग है कि ट्राइबल विभाग में, अनुसूचित जनजाति विभाग में, आदिम जाति कल्याण विभाग में सहायक आयुक्त राजनांदगांव द्वारा जो भर्राशाही किया गया है उसे गहन जांच करो और उसको तत्काल आज ही यहां से राजनांदगांव सहायक आयुक्त से हटाया जाए। ये दो प्रमुख मांग आज के धरना का विषय को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रमेश डामे, अध्यक्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक संघ।